हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बात करने जा रहा हूँ आज मैं बहुत ही दिग्गज स्टॉक के बारे में। लगातार निवेशकों को बम्पर पैसा बना के स्टॉक देता चला जा रहा है जब से स्टॉक की दोस्तों लिस्टिंग हुई है। और ये एक मोबाइल इक्विपमेंट्स बनाती है, साथ ही साथ मोबाइल भी बना रही है दोस्तों। डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। क्या ये स्प्लिट होने वाला है, इसी के बारे में दोस्तों हम पूरे वीडियो के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आ चुके हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के स्टॉक के ऊपर। बहुत ही दिग्गज कंपनी है दोस्तों, लिस्टिंग से धुआंधार निवेशकों को पैसा बना के दे रहा है। BSE NSE दोनों पे स्टॉक लिस्टेड है। आज हम आपसे बात करें 18 दिसंबर को, तो स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला करीब करीब 2.5%। 13,352 पे क्लोज हुआ है, करीब 363 रुपये की गिरावट। प्रीवियस क्लोज दोस्तों स्टॉक का जो था वो 13,716 पे था, आज ओपनिंग हुई 13,845 पे। 13,909 का हाई भी लगाया, वहीं दिन का लो 13,273 रुपये का स्टॉक ने। दोस्तों, लोगों का कहना है स्टॉक में स्प्लिट आने वाला है या नहीं आने वाला है, वो तो बात की बात है। तो दोस्तों, लेकिन ये स्टॉक पूरी तरीके से एलिजिबल हो चुका है स्प्लिट की कंडीशन के लिए, जो मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे। क्योंकि स्टॉक की फेस वैल्यू आप देख सकते हैं 10 रुपये की है, और अपने IPO प्राइस से ये स्टॉक करीब करीब 9 गुना हो चुका है। मैं आपको IPO प्राइस भी दिखाऊंगा, किस प्राइस पे इसकी लिस्टिंग हुई थी, किस प्राइस पे इसका प्राइस बैंड ओपन हुआ था दोस्तों। पर वीडियो में बने रहिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है दोस्तों, आज 18 दिसंबर को 13,352 रुपये पे डिक्सन टेक्नोलॉजी का स्टॉक क्लोज हुआ है दोस्तों NSE पे। वॉल्यूम देख लीजिए आप, 41,354 शेयर के हैं। वॉल्यूम इसलिए कम है दोस्तों, 13,500 का स्टॉक है, हर किसी के बस की बात नहीं है खरीदना। इसीलिए दोस्तों फेस वैल्यू स्टॉक की आप 10 रुपये की इसलिए, क्योंकि स्टॉक अभी स्प्लिट हुआ नहीं है। बहुत ही जल्दी दोस्तों स्प्लिट आ सकता है, पर सियोरिटी अभी नहीं है। ना ही कोई कॉरपोरेट एक्शन की न्यूज आई है, ना ही कोई कंपनी की तरफ से कोई भी सर्कुलर अभी भी जारी किया नहीं गया है। 1,560 रुपये का 52 वीक लो है, 13,909 का 52 वीक हाई, जो कि आज के दिन ही हिट किया है दोस्तों। करीब करीब ये 9 गुना हो चुका है अपने IPO के प्राइस से। मैं आपको दिखाऊंगा किस प्राइस पे इसकी लिस्टिंग हुई थी। और दोस्तों, ये 1,560 का यदि आप एवरेज लेंगे तो 9 गुने के आसपास स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है। और लगातार दोस्तों स्टॉक ने अपने निवेशकों को बम्पर रिटर्न कमा के दिए हैं, और साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत का भी इसे बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। और जैसा आप जानते हैं कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का करीब करीब 11 से 12% का हिस्सा केवल डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर ही आता है। बीते एक साल के अंदर 268% से ज़्यादा का रिटर्न है। मार्केट कैपिटल 15,620 करोड़ का, एक मिड कैप स्टॉक है। 148 के PE से ज़्यादा का PE फिलहाल हो चुका है दोस्तों। तो स्टॉक वैल्यूएशन वाइज तो बहुत ही ज़्यादा महंगा ऑलरेडी हो चुका है। तो आपको एंट्री कब लेनी है, जब स्टॉक थोड़ा करेक्ट हो जाए। अभी इसमें रुकने का नाम नहीं ले रहा है स्टॉक, तो इस लेवल पर एंट्री थोड़ी आपके लिए हो सकता है नुकसानदायक साबित हो। यदि लेकिन आप होल्ड करके 5 से 10 साल रखने की क्षमता रखते हैं, तो दोस्तों कोई भी प्राइस कोई भी समय बुरा नहीं है, अगर आप स्टॉक अच्छा है तो। आइए शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, फिर इसकी रिटर्न की प्रोफाइल देखेंगे, फिर साथ ही साथ देखेंगे किस प्राइस पे इसका IPO आया था। तो प्रमोटर होल्डिंग स्टॉक की 36% के आसपास है। FII की होल्डिंग 16.21% की है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो स्टॉक में देखने को मिल रही है वो करीब करीब 16.68% की है। तो म्यूचुअल फंड और FII की होल्डिंग ही अगर आप जोड़ दें तो 33% की होल्डिंग तो इनके पास ही पड़ी हुई है। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग 30% से ज़्यादा है, और अदर्स के पास होल्डिंग करीब करीब 1% आप कह सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के स्टॉक के अंदर देखने को मिलती है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं जो प्रमोटर हैं स्टॉक के। वहीं प्लेच ऑर्डर होल्डिंग नन, मतलब गिरवी रखे शेयर की स्टॉक के साथ एक भी समस्या नहीं है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट होता है दोस्तों। म्यूचुअल फंड की 20 स्कीम ने पैसा लगाया है, करीब करीब 17.5%। FII की 128 स्कीम का पैसा है, वही लगभग लगभग 16.25% का। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग जो है वो सुनील वचानी के पास 34.66% की स्टेक है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर 8.33% का स्टेक रखते हैं, और आप हम जैसे जो रिटेल निवेशक हैं 9.18% की होल्डिंग बना के रखे हैं दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी के स्टॉक में। फिलहाल दोस्तों, यदि आप स्प्लिट के बारे में कुछ भी सोच रहे हैं, तो अभी ऐसा कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट ना तो कंपनी की तरफ से आया, ना ही कोई ऐसा सर्कुलर जनरेट हुआ है, तो इसे अभी हम फ्री तरीके से डिनाइड ही करेंगे। क्योंकि जब तक कोई भी हमको क्लियर डिटेल नहीं मिलेगा, तब तक हम उसके बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करना चाहते। अब आइए दिखाते हैं इसका स्टॉक किस प्राइस पे इसका IPO आया था। तो दोस्तों, आ चुके हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के IPO के डिटेल के ऊपर।
किस प्रकार से डिटेल अवेलेबल है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो स्टॉक का जो आप देख लीजिए जो प्राइस बैंड आया हुआ था 1766 रुपये के ऊपर, 1760 से 1766 रुपये के ऊपर दोस्तों स्टॉक की जो अपर बैंड का साइज़ दिया गया था प्राइस का, और फेस वैल्यू स्टॉक की 10 रुपये की थी, जो करीब करीब इशू साइज था कंपनी 600 करोड़ के आसपास का ये इशू साइज लेके आई थी। तो मात्र दोस्तों एक स्मॉल कैप कंपनी आज आप मिड कैप के रूप में आप देख रहे हैं, तो बहुत ही बम्पर रिटर्न कमा के निवेशकों को ये स्टॉक देता चला जा रहा है। लॉन्ग टर्म में आपको पैसा छाप के देने वाला है दोस्तों ये। डिक्सन टेक्नोलॉजी के स्टॉक ने अब तक निवेशकों को कैसा रिटर्न दिया आइए वो भी देख लेते हैं। तो आज करीब करीब 2.5% डाउन है BSE के ऊपर, एक हफ्ते में 5.42% के रिटर्न है, वहीं एक महीने में 30.78% के रिटर्न, बीते 3 महीने के अंदर दोस्तों स्टॉक 42% चल चुका है, 6 महीने में स्टॉक ने 139% के दिग्गज रिटर्न दिए हैं, 2020 के अंदर 250% के रिटर्न, बीते 1 साल में 268% से ज़्यादा रिटर्न, 5 साल में माफ़ कीजिए 2 साल में दोस्तों इसने 556% से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, वहीं 3 साल में दोस्तों स्टॉक दे चुका है 281% के दिग्गज रिटर्न। तो लॉन्ग टर्म का विजन लीजिए, ये स्टॉक बहुत ही दिग्गज है, आपको बड़ा पैसा हमेशा बना के देगा। तो आप इसे हर गिरावट में ऐड कीजिए, और थोड़ा और करेक्शन में ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात। वीडियो पसंद आए लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों।